तो दोस्तों 16 क्लास इससे पहले हमने कंप्लीट कर ली, आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 17 की। उससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन कोर्स उत्तराखंड वाले में, ठीक है। साथ में हिंदी का कोर्स भी चल रहा है और के दोस्तों साथ में आपका बोंद्रोगा का भी डेमो चल रहा है, ठीक है। चलिए उनकी जानकारी के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों आज एक नए जिले की, क्योंकि इससे पहले दोस्तों हमने पिथौरागढ़ कंप्लीट कर लिया है, आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं चंपावत के, ठीक है। इतिहास दोस्तों इसका महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि चंद वंश का यहाँ पर उद्भव देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था गोलू देवता का उद्भव स्थल दोस्तों वो भी आपका चंपावत है। सब कुछ दोस्तों इस हम टॉपिक में देखने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों चंपावत पार्ट वन की, ठीक है। चलिए तो दोस्तों नामकरण के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों नामकरण के बारे में जो जानकारी हमें इतिहासकारों से मिलती है, माना जाता है कि सोमचंद की दोस्तों जो पत्नी थी चंपा, उसके नाम पर दोस्तों नाम पड़ता है चंपावत, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ साथ यहाँ पर एक नदी बहती है दोस्तों, गंडक नदी, ठीक है। जो दोस्तों सहायक नदी है किसकी, लोहावती की। लोहावती दोस्तों नदी कौन सी है, ये लोहावती नदी निकलती है दोस्तों माउंट आबू से, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी गंडक नदी को प्राचीन समय में चंपावती कहा जाता था, ठीक है, और उसी के नाम दोस्तों इसका जो नाम पड़ता है चंपावत पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ मानते हैं कि यहाँ पर कुमू अवतार यानी कि वैष्णो का कुमू अवतार, यानी कि यहाँ पर जो पर्वत है उसकी यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है, कुमू अवतार में, ठीक है। उससे बनता है दोस्तों कुमाऊ चल, और इससे बनता है दोस्तों कुमाऊँ, और दोस्तों कुमाऊँ का जो प्रथम जो क्षेत्र है, जो प्रथम उद्भव क्षेत्र है, वो दोस्तों कौन सा है आपका, चंपावत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रथम जो इसका उल्लेख है आपका वायु पुराण में है, उसमें दोस्तों से कहा गया है चंपावत पुरी, ठीक है। स्थापना दोस्तों जो इस जिले की हुई थी 15 सितंबर 1997 को हुई थी। इसी के साथ साथ आपका बागेश्वर और रुद्रप्रयाग की स्थापना भी 1997 में ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तीनों जिले छोटे हैं और तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी। तहसील दोस्तों यहाँ पर 5 हैं, चंपावत, पाटी, पूर्णागिरी, लोहाघाट और बाराकोट, ठीक है। बाराकोट और दोस्तों पाटी जो आपका तहसील है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकासखंड यहाँ पर 4 है, चंपावत, पाटी, लोहाघाट और बाराकोट, चारों तहसील दोस्तों इंपॉर्टेंट है, या और चारों आपके विकासखंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको दोस्तों रखने हैं, ठीक है। चलिए इतिहास दोस्तों देख लेते हैं काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ कहता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन नाम कि चंपावत का जो प्राचीन नाम था क्या था, सवपनिल नगर इसे दोस्तों कहा जाता है प्राचीन समय में। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों आता है, मैंने आपको बताया था कि चंद वंश का दोस्तों यहाँ पर उद्भव था, ठीक है। सोमचंद आते हैं दोस्तों 7वीं सदी में 27 सहयोगियों के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। आए थे क्यों दोस्तों, इनके यहाँ पर ब्राह्मणों ने कहा था कि आप उत्तर भारत की यात्रा करने के लिए चले जाइए, आपका उद्धार होगा, ठीक है। ये बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए आते हैं यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मदेव से दोस्तों बीरमदेव भी कहा जाता है और वीरदेव भी कहा जाता है। दोस्तों कुत्तिर वंश के अंतिम शासक थे, उन्होंने दोस्तों अपनी जो आपकी पुत्री थी उसके लिए दोस्तों अच्छे वर लगे, उन्होंने शादी कर दी और इन्होंने दोस्तों थोड़ा सा स्थान दे दिया आपके चंपावत में, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपना एक किला स्थापित कर दिया, जिसे दोस्तों सोमचंद का किला, मारकोट का किला कहा जाता है, ठीक है। आगे उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं बाद में, ठीक है। चलिए रेशम बुनकरों को दोस्तों कहा जाता है पटुआ, ये मैंने दोस्तों क्यों लिखा, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों सोमचंद के ही जो वंशज थे आगे के इंद्रचंद, दोस्तों यहाँ पर एक कारखाना लगवाएंगे, प्रथम रेशम का कारखाना, और दोस्तों वहाँ पर जो काम करने वाले जो यहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों उन्हें पटवे कहते हैं, वो दोस्तों इस पटवे शब्द से एक नाम बनेगा पटरंग प्रथा। अब दोस्तों पटरंग प्रथा क्या थी, इनके दोस्तों जो यहाँ पर ब्राह्मण थे चंद्रवंश के जो यहाँ पर सलाहकार थे, उन्होंने कहा दोस्तों कि सर आप यानी कि गुरुजी आप ऐसा कीजिए, आप अपने यहाँ पटंग प्रथा स्टार्ट कर दीजिए, आपका उससे क्या होगा, कारोबार बढ़ेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों होता क्या था, जो यहाँ के कर्मचारी थे वे सभी झूठ बोलते थे, ठीक है। जितना ज़्यादा झूठ बोल लेंगे उतना ज़्यादा उनके यहाँ पर बरकत आएगी या उनका उत्पादन ज़्यादा होगा, ऐसा करके कुछ उन्होंने कहा था, ठीक है। रानी कछ दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, कोतवाली चबूतरा और रानी का चबूतरा, ठीक है। कोतवाली दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक न्याय से संबंधित है, तो न्याय दोस्तों यहाँ पर देते थे जो चंद्रवंश थे, तो यहाँ पर न्याय दिया देते थे, और रानी का चबूतरा दोस्तों रानी को यहाँ पर दबाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख आकर्षण क्षेत्र, इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट रहने वाले हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों किसी भी डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसके आकर्षण क्षेत्रों से बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे लोहाघाट की, लोहा और दोस्तों चंपावत का हृदय यानी कि चंपावत का दिल कहा जाता है लोहाघाट को। 1839 में दोस्तों यहाँ पर छावनी का निर्माण हुआ था, 1839 में
ठीक है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कृषि विवरण केंद्र यानी कि कृषि की दोस्तों जो जानकारी दी जाती है राज्य में दोस्तों कहाँ पर, लोहाघाट में दी जाती है और स्थापना 1994 में इसकी हुई थी दोस्तों, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। काफ़ी डीप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जैसा मैंने आपसे वादा कर रखा है, ठीक है। टनकपुर दोस्तों, टनकपुर यानी यहाँ का दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी था, टलक था दोस्तों, उस जगह नाम बस का नाम पड़ा दोस्तों टनकपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों प्राचीन इसका नाम दोस्तों गाष्टीकंज था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट टाइम दोस्तों ग्रुप सी का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा गया था कि ब्रह्मदेव मंडी कहाँ है दोस्तों, ये कहाँ पर है आपका, चंपावत में है, और इसी स्थान से काली नदी दोस्तों राज्य से बाहर निकल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सर्वाधिक आबादी वाला नगर यानी कि दोस्तों चंपावत का सर्वाधिक आबादी वाला जो नगर है दोस्तों वो है आपका टनकपुर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक स्थान पड़ता है सूखी ढाक, ये दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है क्यों है दोस्तों थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसे दोस्तों कुमाऊँ का चेरापूंजी स्थान बोला जाता है, वर्षा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी होती है, ठीक है। और दोस्तों इसी कारण बोला जाता है चेरापूंजी स्थान। दोस्तों एक क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा कि ब्रिजनगर किसने कहा, ठीक है, यानी सूखी ढाक को वर्तमान समय में जो ब्रिजनगर कहा जाता है किसने कहा, तो ब्रिज मोहन चकोड़ी थे दोस्तों, उन्होंने इसे नाम दिया ब्रिजनगर, वर्तमान में सूखी ढाक को ब्रिजनगर कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आप नोट में लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, पूछा जाता था कि चेरापूंजी क्षेत्र किसे कहते हैं कुमाऊँ का, या दोस्तों पूछा जाता कि सूखी ढाक नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है, या दोस्तों पूछा जा सकता है कि ब्रिजनगर किसका उपनाम है, या दोस्तों पूछा जा सकता है कि ब्रिजनगर सूखी ढाक को नाम किसने दिया, ठीक है। तो कुछ भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे आ जाए दोस्तों, लिखा हुआ तो काफ़ी कम है, आपने देखा हुआ दोस्तों मैंने टनकपुर के बारे में कितने लिख रखे फैक्ट, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 फैक्ट लिख रखे, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से 20 बन जाएंगे अगर आप बनाना चाहो तो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे की, कि दोस्तों नोट्स होने चाहिए सिंपल, यानी नोट्स अगर हमारे सिंपल लिखे हुए हैं तो दोस्तों हमने बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे दोस्तों लोहावती नदी, ठीक है। तो दोस्तों लोहावती नदी का जो उद्गम होता है बाणासुर किले के पास से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो ये आपकी मायावती क्षेत्र लोहाघाट क्षेत्र में को बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गंडकी इसकी महत्वपूर्ण नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गंडकी किसकी सहायक नदी है आपकी लोहावती की, और दोस्तों गंडकी को भी प्राचीन समय में चंपावती कहा जाता था, और इसी कारण इसका नाम जो पड़ा है दोस्तों क्या पड़ा है, चंपावत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घटोत्कच का जो मंदिर है वो कहाँ है आपका, पिथौरा चंपावत में है, किस नदी के तट पर है, लोहावती प्लस गंडकी, ठीक है दोस्तों, लोहावती प्लस गंडकी नदी के तट पर है आपका घटोत्कच का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सर दोस्तों नदिया जो नदी थी ये दोस्तों गज्जर नामक स्थान से होती है, और बाद में जाकर ये भी टनकपुर के आसपास, सॉरी ब्रह्मदेव मंडी के आसपास काली से मिल जाती है, उसके बाद काली नदी आपका राज्य से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बालेश्वर मंदिर दोस्तों 28 अक्टूबर 2000 का अगर पेपर दिया हो तो क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, कहाँ पर है, चंपावत में है, और दोस्तों शिल्प कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। निर्माण दोस्तों चंद शासकों ने कराया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इसी के पास चंपावती स्थान पर दोस्तों अभय चंद का 1371 का दोस्तों शिलालेख मिलता है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया बालेश्वर मंदिर समूह, अब समूह है तो दोस्तों इसमें 2-4 मंदिर होंगे आप सभी जानते हैं, ठीक है, कौन कौन से मंदिर आप देख सकते हैं, बालेश्वर, युगल, सुग्रीवर, आपका चंपावती देवी मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर, ये चारों मंदिर दोस्तों इसके समूह में हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है और शिल्पकला का एक बेस्ट उदाहरण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा दोस्तों इसकी देख लेते हैं कि किस प्रकार के शैली में है बालेश्वर मंदिर, तो दिव्य पुरुष शैली में, दिव्य पुरुष मतलब दोस्तों दो द्वार, ऐसे समझ लो ये दोस्तों आपका मंदिर, ये आपका मंदिर, तो दोस्तों इसके द्वार कितने हैं जाने के, एंट्री इसकी कहाँ है, दो द्वारों से की जाती है, दो इसके ग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक संयुक्त मंदिर है यानी कि संयुक्त मंदिर है, ये ध्यान रखना है। पूजा दोस्तों यहाँ पर करने वाले जो पुजारी हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, गिरिवंशज, यानी गिरिवंशज। तो क्वेश्चन जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डीप पूछ लिया तो पूछ सकता क्या है कि बालेश्वर मंदिर है जो दोस्तों उसकी जो पूजा की जाती है कौन से पुजारी करते हैं, तो किस वंश के पुजारी करते हैं, तो गिरिवंशज के पुजारी करते हैं, ठीक है। चलिए तो चंपावती देवी मंदिर यहाँ पर आप सभी जानते हैं किसके अंतर्गत है, बालेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत है, और दोस्तों ये भी शिल्प कला का एक बेस्ट उदाहरण है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रत्नेश्वर मंदिर दोस्तों ये भी बालेश्वर मंदिर का एक इंपॉर्टेंट समूह का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों पूजा होती है महावीर बुद्ध की पूजा होती है दोस्तों, ध्यान रखना किसमें, रत्नेश्वर मंदिर में, ठीक है। काली का मंदिर दोस्तों ग्रुप डी में एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन आया था काली का मंदिर समूह की कहाँ पड़ता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कहाँ है दोस्तों, बालेश्वर
मंदिर के पास ही है। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में अगर एक और बताऊँ, मैं आंसर कर दूँ, तो इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था बालेश्वर का, किसने कराया था? गोरखा बहादुर वीर जो थापा थे, उन्होंने दोस्तों इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आपके अशोक चल के भी शिलालेख मिले थे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता था, बालेश्वर मंदिर जो हमारा था वो किस नदी, सॉरी जो बालेश्वर मंदिर हमारा है वो किस किस नदी के तट पर है और कहाँ पर है, ठीक है। तो बालेश्वर में दोस्तों आपका जो मंदिर है आपका पूर्वी रामगंगा और आपका जो बाल तीर्थ नदी है उसके संगम पर है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये आपका कहाँ पर है दोस्तों? चंपावत में, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, कोतवाली चबूतरा। मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पर चंद्रवंश के जो शासक थे वो दोस्तों यहाँ पर बैठकर इसी स्थान पर बैठकर न्याय करते थे, इस वजह से दोस्तों इसे कहा जाता है कोतवाली चबूतरा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोलू देवता का मंदिर, दोस्तों ग्रुप सी का पेपर हुआ था शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पेपर हुआ था हाईकोर्ट का, उसमें दोस्तों क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया कि गोलू देवता का उद्भव स्थल कहाँ है। तो दोस्तों उद्भव स्थल मतलब जहाँ पर उनका उत्पन्न हुए, जहाँ पर उनका निर्माण हुआ, जहाँ पर वे पैदा हुए, जहाँ पर उनके बारे में गाथाएं स्टार्ट हुई, ठीक है, उसे बोलते हैं उद्भव क्षेत्र। तो दोस्तों वो कौन सा था? चंपावत था, ये भी आपको ध्यान रखना था। कुछ बच्चे वहाँ पर कहीं नैनीताल लगा के आगे, कहीं कुछ लगा के आगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों क्या कुछ हुआ। गोलजू भी कहा जाता है दोस्तों इसे, गोर भैरव भी कहा जाता है, गोर गुरुल्ला भी कहा जाता है, ये भी आप ये शब्द नाम इसके हैं, ठीक है। भाना गोलू भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पुत्र किसके थे? झलराई नामक राजा थे उसके दोस्तों पुत्र थे, और चंद्रवंश के काल में दोस्तों यहाँ पर आश्रम बनाकर रहते थे ये चंपावत के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका दोस्तों जो मंदिर बनवाया था ज्ञानचंद ने बनवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों काफ़ी कुछ अन्य मंदिर भी हैं प्रमुख प्रमुख, एक तो आपको चिताई मंदिर दोस्तों जो अल्मोड़ा में वो भी गोरिल का ही है, घोड़ाखाल नैनीताल में दोस्तों वो भी अल्मोड़ा का ही है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन उसमें एग्जाम में थे, चिताई भी था, घोड़ाखाल भी था, ठीक है। लेकिन उसका जो राइट आंसर था दोस्तों चंपावत था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, नागनाथ जो दोस्तों मंदिर है वो भी आपका पिथौरागढ़ में है, और चंपावत की ये जो तहसील में है, ठीक है। इसका जो निर्माण की अगर मैं बात करूं तो कीर्ति चंद ने विस्तार करवाया था, निर्माण तो कह सकते हैं विस्तार करवाया था, यानी कि जीर्णोद्वार वगैरह करवाया था, ठीक है। हिंगला देवी मंदिर, दोस्तों हिंगला देवी मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, तहसील चंपावत में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर दोस्तों जो पूजा होती है दोस्तों वो पांडे जो वंशज होते हैं वे यहाँ पर पूजा करते थे, आपको ध्यान रखना कि पांडे जो वंशज हैं हमारे जिसके पुजारी हैं वो हिंगला देवी मंदिर का करते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन दोस्तों खोल में बताऊंगा, एक हिंगलाज देवी मंदिर है, हिंगलाज देवी मंदिर दोस्तों जो पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है। इंडियन अगर इंडियन कल्चर को देखा जाए, हिंदू संस्कृति को देखा जाए, तो वहाँ पर दोस्तों आज ही पूजा करने के लिए यहाँ के व्यक्ति जाते हैं, ठीक है। चलिए एक हतिया नोला, दोस्तों ध्यान रखना एक हतिया नोला और एक हतिया देवाल, दोस्तों मैं देवाल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वो चंपावत में है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों नोले की, तो वो आपका कहाँ है दोस्तों? चंपावत में, ठीक है। सॉरी मैंने आपको शायद थोड़ा गलत बोल दिया, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, एक हतिया नोला ये दोस्तों आपका चंपावत में है, अगर मैं देवाल की बात करूँ तो दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलिए इसके दोस्तों जगन्नाथ मिस्त्री ने इसकी स्थापना करवाई थी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए किसके समय में की थी, ये क्वेश्चन आपको आंसर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ये मैंने हमने यहाँ लिख रखा है, मैं आंसर इसे छोड़ दीजिए थोड़ा, ये देख लेते हैं नीचे, इसे दोस्तों नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झूमा देवी मंदिर और झूठा मंदिर दोनों कहाँ है दोस्तों? आपका चंपावत में है, ठीक है। लेकिन दोस्तों झूला मंदिर ये दोस्तों कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में, ठीक है। ये दोस्तों आप कुछ डाउट्स हैं इन्हें आप इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। झूला और झूठा, झूला झूठा यानी झूठा व्यक्ति झूले में झूल रहा था, कहाँ? चंपावत में, और झूला था जो ये कहाँ है दोस्तों? आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों हम देखेंगे पार्ट टू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई ही जीवन का आधार है और पढ़ाई करके ही सब कुछ होने वाला है।